हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है ब्रैंकियल सिस्टम ऑफ स्कॉलियोडॉन। इसके बाद में हम वेनसस सिस्टम देखेंगे। सबसे पहले हम आज जो ब्रैंकियल सिस्टम देखते हैं, तो इससे पहले की वीडियो में हमने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा था अच्छी तरह से कि ये किस प्रकार वर्क करता है। ठीक है, तो मैं एक बात बताना भूल गई थी, ये क्या होता है कि ये हार्ट है, फिर इसके जो इसको जो ढके रहता है, इसका जो आवरण होता है, इसका जो कवर होता है, उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। और पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में जो ल्यूमेन होता है, जो स्पेस होता है, उसे पेरिकार्डियम स्पेस कहते हैं। ठीक है ना, तो अब देखते हैं हमारा ब्रैंकियल सिस्टम। तो देखिए, जैसे कि ये फिश है यहाँ, जैसे कि ये फिश है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये फिश है, ये इस टाइप से ये फिश है। ठीक है, तो ये इसका नीचे वाला पोर्शन जो कि नीचे की ओर होता है, यहाँ पे ये माउथ है और ये नीचे का पोर्शन है। ठीक है, ये नीचे का पोर्शन है और ये इसके ऊपर वाला पोर्शन है। ठीक है, ये ऐसे फिश है। ठीक है, तो ये जो इनमें क्या होता है, दो टाइप की एओर्टा होती है, एक तो वेंट्रल एओर्टा होती है और दूसरी डोर्सल एओर्टा होती है। तो जो हार्ट होता है वो नीचे की साइड में यहाँ पे होता है। ठीक है, नीचे की साइड में यहाँ पे होता है और यहाँ से ये वेंट्रल, क्योंकि वेंट्रल साइड नीचे होता है, डोर्सल साइड ऊपर होता है, तो वेंट्रल साइड पर वेंट्रल एओर्टा होता है और ये ऊपर की तरफ डोर्सल एओर्टा होता है। इसके बाद ये जो ये साइड में है, ये क्या है, इसके गिल्स है, फाइव गिल्स होते हैं, ये फाइव गिल्स है इसके, इस साइड पे फाइव गिल्स होंगे। ये स्ट्रक्चर अभी बहुत काम आएगा क्योंकि यही मेन है। ठीक है ना, तो ये क्या है, वेंट्रल एओर्टा है, डोर्सल एओर्टा है और ये इसके गिल्स है, ये फिश का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये डोर्सल, वेंट्रल और गिल्स। अब हम देखते हैं इसका पूरे अच्छी तरह से स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे कोनस आर्टेरियोसस होता है, कोनस आर्टेरियोसस होता है, कोनस आर्टेरियोसस होता है। जो ये कोनस आर्टेरियोसस है वो आगे जाके फिर ये वेंट्रल एओर्टा में बदल जाता है, वेंट्रल एओर्टा। ठीक है, अब ये वेंट्रल एओर्टा है, ये फोर पोर्शन में डिवाइड हुई होती है। फोर पोर्शन में कैसे, कि जो यहाँ पे सबसे नीचे सबसे ऊपर देखते हैं, यहाँ पे एंड हो गई है, तो यहाँ एंड होते ही यहाँ पे जो ये ब्रांच निकलती है, इसे क्या कहते हैं, इननोमिनेट आर्टरी, ब्रैंकियल आर्टरी। ठीक है ना, इननोमिनेट ब्रैंकियल आर्टरी। जो ये इननोमिनेट ब्रैंकियल आर्टरी है वो आगे जाके दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, तो इसे फर्स्ट और सेकंड, एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज मैं नहीं लिखती, ये सारी आर्टरी है, क्योंकि एओर्टा है तो एओर्टा से जो निकलती है वो सारी आर्टरी होती है। तो हम जो पढ़ेंगे आज ये ब्रैंकियल सिस्टम ही देख रहे हैं, तो इसमें सारी क्या आएगी, आर्टरी ही आएगी, ब्रैंकियल क्या आर्टरी का सिस्टम देख रहे हैं, तो सारी इसमें आर्टरी ही आएगी। तो ये जैसे कि फर्स्ट और सेकंड हो गई, मतलब देखिए इसमें गिल्स जो स्कॉलियोडॉन है उनमें गिल्स, मैंने अभी बताया गिल्स दोनों साइड होते हैं, तो देखिए इस साइड भी निकल रहा है और इस साइड भी निकल रहा है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड हो गई। फिर इसके बाद ये वाली है, ये थर्ड एफरेंट आर्टरी, फिर फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ पर भी फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, अब ये जो ये ब्रैंकियल आर्टरी है ये जाती कहाँ है, तो जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में गिल का स्ट्रक्चर बताया था, तो मैं वापस बताना चाहूँगी। देखिए ये गिल्स है, ठीक है, ये किस टाइप में मुड़े हुए हैं, ये ऐसे ठीक है ना, ऐसे बंद रहते हैं,
ठीक है, इनमें जो ये बीच का जो है इनको हमने क्या बोला था, इनको हमने क्या बोला था कि जो ये इंटरसेप्टम ब्रैंकियल है, ठीक है ना, इन दो गिल लेमिला के बीच में जो ये ब्रैंकियल का है ये है, ठीक है। तो जो ये एफरेंट आर्टरी है, ब्रैंकियल आर्टरी, मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि जैसे कि देखिए ये गिल्स हैं तो ये इस टाइप से होते हैं, मतलब देखिए ये वाला कौन सा साइड है, वेंट्रल साइड है, और ये वाला डोर्सल, ठीक है। ये गिल्स किस टाइप में है, ऐसे, ठीक है ना। तो मैं किस साइड बताऊँ, ये देखिए ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से जो ब्रैंकियल आर्टरी निकल रही है, ठीक है ना, यहाँ से जो ब्रैंकियल आर्टरी निकल रही है वो ऐसे है, ये ऐसे है। तो यहाँ से जो निकल रही है, यहाँ से जो निकल रही है वो इसके अंदर से होते हुए यहाँ से फिर बाहर निकलेगी, मतलब कैसे, देखिए ये है, यहाँ से जो ये ब्रैंकियल आर्टरी है ये जो इसका बीच का जो इंटरसेप्टम ब्रैंकियल है वहाँ से उसके अंदर से होते हुए निकलती है। अंदर से होते हुए कैसे, देखिए मैंने बताया था कि गिल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे कि ये देखिए ये गिल का बीच का पोर्शन, ये गिल के दो लैमेलाए, ठीक है। तो ये जो बीच का पोर्शन है यहाँ, ये बीच में यहाँ पे ये है एफरेंट आर्टरी। तो इसका जो एक पोर्शन है वो ये रहा, दो पोर्शन, तीन पोर्शन, चार पोर्शन, पांच पोर्शन, तो हर पोर्शन में ये बीच वाला पोर्शन आ रहा है। तो इसके यहाँ से ये बीच में, ये तो ऊपर वाला है, इसके नीचे भी है, तो इसके नीचे मैं एक खोल के दिखा देती हूँ। देखिए ये मैंने जैसे कि गिल लैमेला निकाल दिए, गिल लैमेला निकाल दिए, तो ये अंदर वाला पोर्शन है, ठीक है, अंदर वाला पोर्शन है। तो यहाँ अंदर वाले में, यहाँ अंदर से ये एफरेंट आर्टरी निकल रही है, ऐसे होते हुए पूरे अंदर से होते हुए ये निकलती रहती है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से होती है, तो ऐसे पांच होते हैं। तो देखिए ये सबसे जो अंदर की ओर, ये इसका माउथ यहाँ पे है, ठीक है। तो माउथ इस साइड है, माउथ इस साइड है। तो जो ये वाला है ये कौन सा है, फिफ्थ वाला है। तो यहाँ पे आ गई अंदर से होते हुए, ये कैसे हो रहा है, ऐसे फोल्ड हो रहा है, मतलब ये नीचे था और ये अब ऊपर आ गया ऐसे, ठीक है ना। ये नीचे था, ये साइड से होते हुए ऐसे ऊपर आ गया। तो ये इसके अंदर से होते हुए बाहर निकल के फिर ये जो यहाँ पे डोर्सल एओर्टा है यहाँ से ऊपर की ओर मिल जाएगी, ऐसे होता है। तो ये यहाँ से होते हुए निकली, अंदर से होते हुए फिर ये दो है, ये एक में गई, एक जो एक पहले एक इननोमिनेट था ये दो में चेंज हो गया, तो ये दोनों में जाके फिर चली गई। इसके बाद होता क्या है कि जो ये गिल्स है, ये गिल्स है, जैसे कि ये बीच का पोर्शन है, ठीक है, और ये एफरेंट आर्टरी है। तो ये एफरेंट आर्टरी, इसके ये जो साइड में लेमिलाए है, ब्रैंकियल लेमिलाए, तो इनमें यहाँ से छोटी छोटी ये कैपिलरीज निकलती है, मतलब एक प्लेक्सस बनाती है, एक जाल बनाती है। कैपिलरीज कैसे होती है कि जैसे कि ये मेन है एक बड़ी, ठीक है, इससे छोटी छोटी बहुत सारी निकल के ऐसे, ये ऐसे प्लेक्सस बनाती है, ठीक है। तो ये प्लेक्सस किस में बनाती है, ये लैमिलाए में बनाती है। तो लैमिलाए में क्या होता है कि यहाँ से पानी जा रहा होता है, तो पानी जाता है तो ये कैपिलरीज में बटने का मुख्य कारण क्या है, मेन जो जो कॉज है वो क्या है, मेन कारण क्या है कि ये इसका स्पेस बढ़ा देती है, मतलब ये जो आर्टरी है इनमें इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, ये तो मेन जो है उसका है और ये साइड के लैमेला के हैं, ठीक है। तो ये प्लेक्सस बनने का मेन कारण क्या है कि यहाँ पे तो ये मेन बड़ी है और यहाँ पे ये छोटे छोटे में टुकड़ों में टूट के
बहुत इसका सरफेस एरिया बढ़ा रही है। सरफेस एरिया बढ़ाने के कारण क्या होता है, इनमें इम्प्योर है, यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ से पानी ये जा रहा है, तो पानी जाने के कारण क्या होता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ जाता है, पानी में आ जाता है, और पानी से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन ब्लड में आते ही फिर यहाँ से ये जो सारी कैपिलरीज है ये इकट्ठी हो जाती है, और यहाँ पे एक क्या बनाती है, एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। एफरेंट ब्रैंकियल जो इनमें प्लेक्सस है वो अंदर की ओर होते हैं, और इसके बाद यहाँ से फिर ये क्या है, ये भी अंदर ही होते हैं, लेकिन उससे पहले इन दोनों के बीच में प्लेक्सस होता है, और उसके बाद ये इकट्ठी होके फिर यहाँ पूरे अंदर से होके, ये जैसे कि मैंने कट किया है तो इसके अंदर से यहाँ से होके फिर ये रेड, तो मैंने बाहर बनाया क्योंकि मैं बना नहीं सकती, तो अंदर से होते हुए ऐसे करके ये बाहर निकलती है और ये पूरे में फैलती है, क्योंकि जो पूरा गिल है वो एक एक करके बना हुआ है, तो ये पूरे में जाते हुए फिर ये बाहर निकलती है। तो देखिए जैसे कि ये फर्स्ट वाला है, तो ये फर्स्ट वाले में, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमने देखा है कि फर्स्ट वाला जो गिल होता है वो कैसा होता है, डेमी ब्रैंक होता है, कैसा होता है, डेमी ब्रैंक होता है, तो उसमें एक ही क्या होता है, लैमेला होता है, एक ही होने के कारण उनमें एक सिंगल ही निकलती है। ये क्या है, ये जैसे कि एफरेंट तो किस में जाती है, जो इसका बीच वाला पोर्शन होता है, बीच वाली जो गिल्स में जो होता है उसमें जाती है, ठीक है ना। तो जो ये बीच वाली तो इंटरब्रैंकियल सेप्टम में जाती है, और इंटरब्रैंकियल सेप्टम से ये दोनों साइड जो लैमेला है उनमें क्या बनता है, प्लेक्सस बनता है, और प्लेक्सस के बाद में जो प्लेक्सस में जो प्योर ब्लड है वो इकट्ठी होकर एक आर्टरी बनाती है जिसे एफरेंट आर्टरी कहते हैं। तो ये जो दोनों हैं ये एफरेंट है और इसके अंदर से जाती है उसे, सॉरी ये इफरेंट है, जो लैमेला से होकर जाती है वो इफरेंट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इफरेंट, और जो इसके अंदर से जाती है उसे एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ की ये इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, फिर ये जो सेकेंड वाला है इसकी इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, फिर जो ये कौन सी है, ये एंटीरियर है, और ये सेकेंड वाले की पोस्टीरियर है, फिर थर्ड वाले की एंटीरियर पोस्टीरियर, फोर्थ वाले की एंटीरियर पोस्टीरियर, फिफ्थ वाले की ये सिर्फ एंटीरियर एंटीरियर, और उसके बाद में ये पोस्टीरियर। अब इसके बाद में जो गिल होता है सिक्स्थ वाला वो कैसा होता है, एब्रैंक होता है, तो उसमें न तो कोई लैमेला होते हैं तो वो नहीं गिन रहे, तो इसके कारण क्योंकि वो एब्रैंक होता है तो उसके कारण जो ये फोर्थ वाला है इसका जो पोस्टीरियर है वो सिंगल रहता है। बाकी में क्या होता है कि देखिए इसमें जो ये वाले जो एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है दोनों की, वो पीछे जाके यहाँ पे जुड़ जाती है, यहाँ पर भी जुड़ गई, यहाँ पर भी जुड़ गई, और यहाँ पर भी जुड़ गई, तो ये सभी की जुड़ जाती है। जुड़ जाने के बाद में ये ऊपर की ओर चली जाती है, क्योंकि गिल्स तो बाहर यहाँ पे खुल रहे हैं और यहाँ से फिर ये ऊपर आ रहा है। ऊपर कैसे आ रहा है देखिए, वही वेंट्रल और डोर्सल, तो ये यहाँ से ऐसे दोनों की आ रही है, पानी तो यहाँ से बाहर निकल रहा है, लेकिन ये जो इसकी एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है ये यहाँ से पीछे की ओर दोनों की जुड़ जाती है, और यहाँ से मिलके फिर यहाँ पे डोर्सल एओर्टा में मिल जाती है, ये डोर्सल एओर्टा। तो ये दोनों जब कंबाइन हो जाती है ये दोनों, और ये तो सिंगल रहता है, तो इन सभी की जो कंबाइन होके जो एक आर्टरी बनती है और जो डोर्सल एओर्टा में जाती है उसे कहते हैं एपीब्रैंकियल आर्टरी। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एपीब्रैंकियल,
इन्हें हम कहेंगे एपिब्रेंकियल आर्टरी। तो ये सारी यहाँ से एपिब्रेंकियल आर्टरी आके यहाँ पे मिल गई, और इस साइड से, इस साइड भी ये ऐसे ही गिल होता है, गिल का प्रोसेस होता है, गिल ऐसे होते हैं, उससे बाद एपिब्रेंकियल आर्टरी और यहाँ से जुड़ जाती है, क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि कैसा होता है, ठीक है। अब देखिए गिल में ये जो टोटल फाइव टाइप्स की आर्टरीज होती है, सबसे पहले एफरेंट हमने पढ़ ली, इफरेंट पढ़ ली, एपिब्रेंकियल आर्टरी पढ़ ली, इसके बाद में हाइपोब्रेंकियल ब्लड प्लेक्सस। अब क्या होता है कि इसका हार्ट कैसा होता है, वेनोसस हार्ट होता है, क्योंकि इसमें एक बार में ही ब्लड आ रहा है, और वो ब्लड भी कैसा है, इम्प्योर ब्लड है, वो किससे आता है, साइनस वेनोसस से आता है, तो वो ब्लड भी इम्प्योर ब्लड है, तो इस हार्ट को भी तो प्योर ब्लड चाहिए ना, तो और इसके अदर पार्ट्स को भी है ब्लड चाहिए, तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये दो ये लाइन है, ये वाली पूरी, ठीक है ना, एक सिंगल लाइन और ये दूसरी सिंगल लाइन, तो इनको क्या कहते हैं, हाइपोब्रेंकियल आर्टरी। ये हाइपोब्रेंकियल आर्टरी दोनों एक दूसरे से, ये लैटिट्यूडिनल आर्टरी से, लैटिट्यूडिनल हाइपोब्रेंकियल आर्टरी से दोनों जुड़ी हुई होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे जैसे कि इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी थी उनमें प्योर ब्लड है, तो प्योर ब्लड यहाँ से प्लेक्सस के रूप में, प्लेक्सस मीन्स ये क्या है, कैपिलरीज है, तो ये कैपिलरीज में टूट जाती है, कैपिलरीज सारी कंबाइन होके जो एक सिंगल आर्टरी बनाती है उसे हम क्या कहेंगे, कमिसरल वेसल कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कमिसरल वेसल। और जो ये कमिसरल वेसल है ये अंदर आके किससे जुड़ रही है, हाइपोब्रेंकियल आर्टरी से, देखिए यहाँ पर जुड़ रही है, यहाँ पर जुड़ रही है, इस साइड में भी ये यहाँ पे जो इस साइड प्रोसेस हो रहा है वो का वो इस साइड भी हो रहा है, तो हम एक साइड ही देख रहे हैं, तो यहाँ से आके फिर यहाँ पर भी ये देखिए कमिसरल आर्टरी, ऐसी फोर टाइप्स, फोर होती है, चार होती है, चार आर्टरी होती है, तो ये आर्टरी यहाँ से जुड़ जाती है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि ये एक सिंगल हाइपोब्रेंकियल, ये सिंगल हाइपोब्रेंकियल, ये पीछे आके दोनों कंबाइन हो जाती है और एक सिंगल हाइपोब्रेंकियल बनाती है, तो ये जो सिंगल हाइपोब्रेंकियल बना रही है इसे क्या कहते हैं, मीडियन कोरेकॉइड आर्टरी, इसको क्या कहेंगे, मीडियन कोरेकॉइड आर्टरी, ठीक है। ये मीडियन कोरेकॉइड आर्टरी है, जैसे कि सिंगल आर्टरी, ये पीछे जाके दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, तो एक तो जाती है, एक तो एक जाती है हार्ट को, तो जो हार्ट को आर्टरी जाती है उसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, और जो इसके पेरिकार्डियम मतलब इसका जो कवर है वहाँ पे जाती है, कौन सा कवर, हार्ट का जो कवर है उसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। तो जो आर्टरी पेरिकार्डियम पर जाती है उसे पेरिकार्डियल आर्टरी कहते हैं, तो ये दो टाइप में डिवाइड हो जाती है। अब जो आर्टरी है, आर्टरीज ऑफ हार्ट, जो हार्ट तक जो आर्टरी जाती है तो वो थ्री टाइप्स की होती है, कौन सी होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड, एफरेंट स्पाइरेक्यूलर और हायोडियन एपिब्रेंकियल, तो ये थ्री टाइप्स की आर्टरी कहाँ पर है तो हम अब वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये जो इननॉमिनेट ब्रेंकियल आर्टरी है इसके ऊपर ये फर्स्ट एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है, तो फर्स्ट एपिब्रेंकियल आर्टरी, इसके ऊपर ये क्या है, इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है फर्स्ट की, तो इससे क्योंकि इफरेंट इसमें प्योर ब्लड है तो इससे थ्री टाइप की आर्टरी निकलती है, और इससे थ्री टाइप की आर्टरी निकलती है और वो कहाँ जाती है, हार्ट तक जाती है, तो हार्ट तक जाती है, तो ये जो सब फर्स्ट वाली ये आर्टरी है इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल कैरोटिड, ये कौन सी है, एक्सटर्नल कैरोटिड, तो इससे ये दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, और ये कहाँ जाती है, एक तो मैंडिबुलम पर जाती है और एक इसके स्किन तक जाती है, स्किन की जो मसल्स होती है उसमें और इसकी जो हायोइड टिश्यूज़ होते हैं वहाँ तक जाती है, तो ये कौन सी है, एक्सटर्नल कैरोटिड है। एक्सटर्नल कैरोटिड के बाद में जो ये सेकेंड वाली जो आर्टरी, इसे क्या कहते हैं, स्पाइरेक्यूलर आर्टरी, इसे स्पाइरेक्यूलर आर्टरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्पाइरेक्यूलर होता है जिसे फॉल्स गिल भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो
ये लैमिला है और ये कुछ नहीं होते हैं, लेकिन काम कैसे करता है, गिल्स की तरह। इस कारण इसे क्या कहते हैं, फॉल्स गिल भी कहते हैं, इसे स्पाइरेक्यूलर कहते हैं। तो इससे होके ये आर्टरी जा रही है, तो इस कारण इसे हमने स्पाइरेक्यूलर आर्टरी नाम दिया है। तो ये जो स्पाइरेक्यूलर आर्टरी है ये आगे जाके यहाँ तक आती है, ये ब्लू कलर का है, ये पूरा ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन की बाहर की जो स्ट्रक्चर है वो है। तो जो ये स्पाइरेक्यूलर आर्टरी है, यहाँ तक आते ही एक तो ब्रेन में जाती है और एक ये दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, एक तो ब्रेन में जा रही है और एक दूसरी यहाँ से होते हुए ये आई में जा रही है। तो ये क्या है, ये आई है, ठीक है ना, ये सॉरी ये दो पोर्शन में डिवाइड हो गई, तो एक तो ब्रेन में जा रही है और दूसरी आई में जा रही है, ठीक है, तो ये आई में। इसके बाद में जो थर्ड टाइप की है वो कौन सी है, हायोडियन एपिब्रैंकियल, हायोडियन एपिब्रैंकियल। तो वो कौन सी है, ये वाली, ये हायोडियन एपिब्रैंकियल है। तो ये हायोडियन एपिब्रैंकियल है वो यहाँ से आगे निकल के ये जो डोर्सल एओर्टा है वो दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, तो उससे जाके जुड़ जाती है और उसके बाद में ये ब्रेन में जाती है। जो ब्लू कलर के अंदर का जो पूरा है वो ब्रेन है, तो ये सारी ब्रेन में जा रही है। इसके बाद में अब कौन सी आर्टरी आएगी, डोर्सल आर्टरी, मतलब जो डोर्सल एओर्टा है उससे जो आर्टरी निकलती है उसे डोर्सल एओर्टा कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पे जो ये डोर्सल एओर्टा है ये तो अभी तो ये पूरी बॉडी में होती है, ठीक है ना, जहाँ तक इसकी जो पूँछ होती है, टेल होती है, वहाँ तक जाती है और आगे ब्रेन तक। तो यहाँ पे ये डोर्सल एओर्टा सिंगल होता है, लेकिन यहाँ पे ये दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, दो पोर्शन में डिवाइड होते हैं तो इसे रेडी सिस कहते हैं, रेडी सिस, ठीक है, रेडी सिस या रेडिक्स, रेडिक्स कहते हैं। तो ये रेडिक्स दो पोर्शन में डिवाइड होके फिर ये कहाँ आ रही है, ब्रेन में आ रही है। तो हमने जो अभी हायोडियन ब्रैंकियल आर्टरी पढ़ा था ये कहाँ जुड़ रही है, ये इसके रेडिक्स से जुड़ रही है। इसके बाद में डोर्सल एओर्टा से एक जो ये आर्टरी निकलती है ये वर्टिब्रल है, दोनों साइड से निकलेगी यहाँ से, ठीक है ना, जो भी मैं बता रही हूँ वो दोनों साइड होगा, एक साइड है तो दूसरी साइड भी तो है ना, ये तो एक सिंगल साइड का यहाँ पर भी होगा, कुछ यहाँ पे है तो वो यहाँ पे नहीं बताया गया, वो यहाँ पर भी होगा, मैं अभी आगे और बताऊँगी, ठीक है। तो ये कौन सी है, वर्टिब्रल है, तो ये वर्टिब्रल तक जाती है, ठीक है। इसके बाद जो इसके ऊपर वाली है ये दोनों साइड देखिए, तो ये बकल कैविटी तक जाती है। इसके बाद में एपिब्रैंकियल्स है, तो ये एपिब्रैंकियल्स तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना, ये ठीक है, ये एपिब्रैंकियल्स है। इसके बाद ये सिलोइक को मेसेंट्रिक, ये कहाँ तक जाती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं ये वहाँ तक जाती है, मतलब इसका जो पैनक्रियाज है, स्टमक है, वहाँ तक ये जाती है, उनमें जो ब्लड पहुँचाता है, प्योर ब्लड वो कौन पहुँचाता है, ये डोर्सल एओर्टा से निकलने वाली ये डक्ट। इसके बाद में ये इलियक डक्ट होती है, इसके बाद पैराइटल डक्ट होती है, पैराइटल जो इसकी जो वॉल तक जाती है, और एक कॉडल डक्ट होती है, और भी होती है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में ये यहाँ पे आके ये डिवाइड होती रहती है, ये ब्रेन में सेरिब्रल और जो ब्रेन का जो सारा पोर्शन है उसमें आती है। इसके बाद में ये आई का तो हो गया, और यहाँ से ये रेडिक्स से यहाँ पर ये तीन आर्टरी है, ये नेरिस तक जा रही है और ये आई पर आ रही है, ठीक है, और आई पर आ रही है, ठीक है, और जो आई की और ये स्पाइरेक्यूलर से जो ये डक्ट आ रही है इसको आई ऑप्थेल्मिक कहते हैं, कौन सी डक्ट कहते हैं, आई ऑप्थेल्मिक। इसके बाद में जो ये आई है यहाँ पर है वैसे कि वैसे ये यहाँ से या आगे ये आई है, ठीक है ना, दोनों साइड नहीं बनाया, आई है, और यहाँ से ये आगे बढ़ के ये इस साइड पे है वैसे कि वैसे यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाया हमने, एक ही साइड पे बनाया है। तो यहाँ से जो ये डक्ट जा रही है वो किस में जा रही है, ओल्फैक्टरी सैक, सैक में, ये कौन सा है, ओल्फैक्टरी सैक, ओल्फैक्टरी सैक में जा रही है। तो ये ऐसे इसकी जो आर्टरी है वो डिवाइड होती रहती है और पूरी बॉडी में
प्योर ब्लड पहुंचाती रहती है। तो ये था हमारा ब्रैंकियल सिस्टम। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम वेनस सिस्टम देखेंगे।